जुबान को सबसे धारदार वस्तु माना गया है, लेकिन आजकल जुबान को भी हरा पता क्या रहा है, कलम। कलम भी बहुत ही धारदार है। यानी अगर जुबान और कलम दोनों किसी व्यक्ति विशेष के पास हो तो सोचिए उसके पास तो दो दो तलवारें हो जाएंगी, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इन्हें मैंने मंथन में आमंत्रित किया है। उनकी जुबान में तो धार है ही है, साथ ही उनके कलम में भी धार है, तभी लोग उनके कायल हैं। वो एक बहुत ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है रिलीजियस ट्रैप। उनकी खासियत यह है कि वो सनातन धर्म के ऊपर बहुत अधिक वक्तव्य देते हैं और बहुत ही लॉजिकली वो बात करते हैं सनातन धर्म के ऊपर। उन्हें उत्तराखंड स्टेट की तरफ से कन्वेनर के रूप में नेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए चुना गया है। उस कमेटी में वो काम करते हैं, यानी उनको एक बहुत ही अहम किरदार दिया गया है निभाने के लिए। साथ ही साथ वो सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार भी कहते हैं और वो अपने आप को हाफ जर्नलिस्ट कहते हैं। वैसे तो उन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है, जर्नलिस्ट रह चुके हैं, पर अपने आप को हाफ जर्नलिस्ट कहते हैं क्योंकि शायद वो किसी खास वजह से इसे कहते हुए, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जो उनकी किताब है ना उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को ये लगा हो कि मुझे सनातन की स्थापना के लिए कुछ कार्य करना है, तो उस व्यक्ति में कुछ तो विशेषता होगी। वो वैसे भी फाउंडर हैं सनातन महासंघ के। तो मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ। उनका नाम है गौतम खट्टर जी, जिन्हें आप सब लोग बहुत पसंद भी करते हैं, उनसे हम बातें करते हैं। गौतम जी एक बार चेक कीजिएगा। नमस्ते नमस्ते, आप सभी को नमस्ते, आपको नमस्ते, आपके दर्शकों को नमस्ते। मेरे दर्शकों को तो आपने नमस्ते कहा, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत देर से ये सवाल स्ट्राइक हो रहा था कि आप खुद को हाफ जर्नलिस्ट। देखिए आजकल जो जर्नलिज्म की दुनिया है, सब लोग अपने आप को नंबर वन और नंबर वन जर्नलिस्ट कहने में तुले हुए हैं। आप देखेंगे नेशनल टेलीविजन उठा करके, एवरीवन इज क्लेमिंग दैट दे आर इंडियाज नंबर वन चैनल, न्यूज चैनल, लेकिन उसों की बातें बहुत कम है। तो एक जो पत्रकार होता है या जो पत्रकारिता होती है, लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ भी है, तो उसमें क्योंकि मुद्दे ज्यादातर होने चाहिए जनता के, और मैं जो करता हूँ वो ज्यादातर करता हूँ अध्यात्म की, संतों की, साधुओं की, वैदिक संस्कृति की। तो मैं पूर्ण रूप से पत्रकार इसलिए भी खुद को नहीं कहता क्योंकि मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो नीश है, उसकी जो स्पेशलिटी है, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो ये नाइंसाफी हो जाएगी यदि मैं स्वयं को एक जर्नलिस्ट कह दूंगा, तो मुझे लगेगा कि मैं अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया और फिर भी मैं खुद को कह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। आप चूंकि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में बहुत समय से कार्यरत हैं, आप आजकल देख ही रहे होंगे कि जैसे किसी भी संत या सन्यासी की बात होती है तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज होनी शुरू हो जाती है। अभी जैसे ही मैंने और आपने बात करनी शुरू की, तुरंत बागेश्वर धाम जी के लिए एक सवाल आ गया कि क्या वो सही इंसान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो अचानक हमारे संतों और सन्यासियों पर जो लोग तीर लेकर के बैठे होते हैं उन पर चलाने के लिए, आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई सोची समझी प्लानिंग होती है कि किसी के संत को या सन्यासी को बुरा भला कहा जाए, या फिर लोग सच में जानना चाहते हैं कि ये। देखिए मैं समझता हूँ कि जो लोग जानना चाहते होते तो वो ये भी जानना चाहते होते कि जो ईसाई संप्रदाय के लोग एक बहुत बड़े स्तर पर कन्वर्जन कर रहे हैं आटा दाल चावल पैसा देकर के, और जो भोले भाले गरीब शोषित वंचित लोग हैं उनको थोड़ा बहुत राशन दे करके और उनको भूत प्रेत हटाने की बात कह रहे हैं कि हम आपको चंगा कर देंगे, उसको बोलते हैं चंगाई सभा। और ये देश के कोने कोने में लगाई जा रही है, अधिकतम ये ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जाती है, आदिवासी क्षेत्रों में लगाई जाती है, वनों के बीच में लगाई जाती है और दुर्गम क्षेत्रों में लगाई जाती है। तो यदि लोगों की इच्छा होती, वास्तव में वो जिज्ञासा प्रकट करते,
तो वो ये भी जानने का प्रयास करते कि ये जो सभाएं क्लेम कर रही हैं कि हम इंसानों को चंगा कर देंगे, आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, आपको किडनी में प्रॉब्लम है, आपको घुटने में प्रॉब्लम है, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपको HIV है, तो हम आपको चंगा करेंगे, आप हमारी चंगाई सभा में आओ और क्रिश्चियन बन जाओ। तो यदि लोगों की जानने की इच्छा होती तो इस पर भी सवाल करते, इस पे भी क्वेश्चन मार्क करते, इस पे भी पूछते, और जो जिस तरीके से और भी चीजें चल रही हैं उन पर भी लोग सवाल अवश्य करते। लेकिन आप देखेंगे नेशनल मीडिया इसी पे बात करता है, वेब सीरीज इसी पे बनती हैं। वेब सीरीज आज भी आपको देखने को नहीं मिला होगा, किसी फादर पे बनी हो, किसी फादरी पे बनी हो, किसी मौलाना पे बनी हो, किसी मुकर्रम पे बनी हो, किसी बारी पे बनी हो, किसी पे नहीं बनती। वेब सीरीज साधु पे बनती है, वेब सीरीज सन्यासियों पे बनती है। हाँ, अब ये अलग विषय है कि वेब सीरीज बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। वेब सीरीज अगर किसी सत्य को, किसी अधर्म को, किसी ढोंग को, किसी पाखंड को उजागर करने के लिए बन रही है तो कुछ भी, नथिंग इज अनफेयर इन दैट, बननी चाहिए। लेकिन निष्पक्षता के आधार पर मैं कहूं कि मैं यदि चोरी करता हूं तो उसको उसको तो पर्दे के पीछे रख दो, लेकिन योगिता जी जो चोरी करती हैं उसको हम जनता के सामने लाएंगे, तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। एक जज जो पेन लेकर के रोज कोर्ट रूम में बैठ करके फैसला देता है, रोज निष्पक्ष जांच करता है, लेकिन एक दिन उसका बेटा कटघरे में आकर के खड़ा हो जाता है तो वो उसका पेन हाथ से छूट जाता है और वो सजा नहीं दे पाता, तो ये निष्पक्षता नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, आप जो भी कर रहे हैं वो निष्पक्षता के आधार पर करें। आपने महर्षि दयानंद का नाम सुना होगा, स्वामी दयानंद का नाम सुना होगा, उन्होंने सबसे पहले सनातन धर्म के अंतर्गत चल रही रूढ़िवादिताओं, कुरीतियों, अढ़ोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, इस पर प्रहार किया। उसके बाद उन्होंने इस्लाम में चल रहे इस प्रकार के कुरीतियों का प्रहार किया, फिर ईसाइयों का किया। उन्होंने निष्पक्षता से सब पर एक कलम चलाई। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ जो गलत हो रहा है दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, बट आपके यहाँ जो हो रहा है वो मैं उजागर करूंगा। मैं अगर अपने मंदिर में बकरा बलि दे रहा हूं तो मैं उस पर मुंह पे टेप लगा लूंगा, लेकिन आप बकरीद मना रहे हो इस पर मैं मुखर होकर के बोलूंगा, तो ये दैट्स यू नो दैट्स वेरी रॉन्ग। ये एक प्रकार की नाइंसाफी है। बकरा कहीं पर भी कटेगा, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, अगर वो कट रहा है तो हमें निष्पक्ष रूप से सबका मुखरता से विरोध करना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, क्या यही सब बातें थी क्या जिसकी वजह से आपने जर्नलिज्म से शिफ्ट होकर के आपने सनातन महासंघ की स्थापना की, आप इसके फाउंडर बने, हाँ, क्या क्योंकि ये सब मैं बातें देख आपने रहा था सामने कि चल रही थी देखिए क्योंकि इनका इतने काम बड़े करना स्तर है। पर विभाजन है। कोई कह रहा है गर्व से आई एम जाट, कोई कह रहा है आई एम गुजर, आई एम प्राउड टू बी मराठा, आई एम प्राउड टू बी चमार, आई एम प्राउड टू बी वाल्मीकि, आई एम प्राउड टू बी पंजाबी, आई एम प्राउड टू बी ब्राह्मण, आई एम प्राउड टू बी क्षत्रिय, आई एम प्राउड टू बी बनिया। तो ये जो विभक्तियां हैं ये समाज को, मैं समझता हूँ, कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करती है, कहीं ना कहीं विभाजन। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्टीमेटली है तो हम एक ईश्वर की संतान। कोई जो भी पैदा होता है, कोई मुसलमान पैदा होता है, कोई ईसाई पैदा होता है, कोई क्रिश्चियन पैदा होता है, कोई हिंदू पैदा, स्टैंप तो कोई बॉडी पे नहीं होता, बाद में सब स्टैंप लगते हैं। हम लोग एक एक कॉमन फादर की संतान है, एक ईश्वर की संतान है, एक परंपरा से आए हुए लोग हैं। लेकिन फिर भी जो ये विभक्तियां हैं, मैं समझता हूँ कि गलत है। हमारे समाज में ये जो विभाजन है, ये जो भेदभाव है, ये जो ऊंच नीच की बातें लोगों में प्रचारित कर दी है, ये गलत है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं है, ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं है, हमने इन चीजों को डेवलप कर दिया है, तो ये ना हो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कहा महासंघ, ये एक एक बड़ी छतरी है, हम महासंघ, एक यूनाइटेड की भावना के नजर से हमने इसको फाउंड किया। जैसे ही सनातन शब्द आता है, आजकल तलवारें खिंच जाती है ना? आपको क्या किसी प्रेशर के थ्रू गुजरना पड़ता है, क्योंकि सनातन शब्द आते ही मुझे पता है कि अब हम लोग अचानक हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, हमारे हिंदुओं में भी विभाजन हो जाता है और कहते हैं कि जी आप तो बहुत ज्यादा आप मतलब हिंदू धर्म को प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं या आप रूढ़िवादी किस्म की बातें कर रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसे करते हुए।
आपको कभी ऐसा लगा ये कि तो आपके ऊपर पर्सनली अटैक प्रतिदिन, किया जा रहा है इन पर बातों को प्रतिदिन लेकर? ऐसा होता है, प्रतिदिन लोग गालियां भी देते हैं, प्रतिदिन लोग प्रोत्साहित भी करते हैं, प्रतिदिन लोग मारने की भी बात करते हैं, प्रतिदिन इस प्रकार की चीजें तो चलती ही रहती हैं। आप समाज में कोई भी काम करेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि आप चैन से बैठ पाएंगे नहीं, आपको इस प्रकार की चीजें आती रहेंगी, लेकिन आपको उन सब चीजों से ऊपर उठ जाना है, आपको उन सब चीजों से हट करके, और जब आप परमात्मा से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करते हैं और गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं, तब आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो बुद्धि है, आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है और आप परमात्मा को स्वयं को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा तो प्रतिदिन होता है, लोग गालियां भी देंगे, लोग बात भी करेंगे, लेकिन मेरी जो बातों में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने आक्रामक कोई चीज अभद्रता से पेश की, मैंने किसी को अशोभनीय शब्द कहे, मैंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो मान मर्यादाओं के विरुद्ध है। नहीं, मैं कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, कभी भी मारकाट की बात नहीं मैंने करी, मैंने कभी भी हिंदू मुसलमान भी नहीं करा, मैंने सच और झूठ की बात करी। जो बात सच थी उसको सच बताया, जो बात झूठ थी उसको झूठ बताया। जिन लोगों ने कहा कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए, मनुस्मृति को जला देना चाहिए, मैंने उन्हें भी फैक्ट्स के आधार पर उत्तर दिया कि मनुस्मृति का, जिसका तुम विरोध करते हो, इसको पढ़ के देखो, इसमें सबकी समानता की बात है। और जो लोग बातें करते हैं या अलग अलग प्रकार की, तो मैंने सच बोला, मैंने सही को सही कहा और गलत को गलत कहा। तो इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है, तो वो बोल देते हैं, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं कि आपने हमारे दिल की बात कही, तो वो प्रशंसा कर देते हैं। तो ये चलता रहता है। आपके परिवार में आपकी माता जी पिताजी को कभी ये भय नहीं लगता कि उनका बच्चा जो है ऐसा कार्य कर रहा है जो कि आज के समय में जो अभी के हालात चल रहे हैं सोसाइटी में, समाज में, जान को खतरा हो सकता है? क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जान को खतरा हो जाता है, आप तो हाँ, ऐसा हो बहुत बड़ा जाता काम है, करते कभी हैं। कभी हो जाता है, जब माँ बाप को ज्यादा भी भूल के माहौल बेटा रहने दो। देश का खराब हो जाता है तब ऐसा हो जाता है। पर हमारी बात है, क्योंकि क्या है कि मर्यादाओं के भीतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मर्यादाओं को लांघ करके बात करते हैं, तो फिर उस स्थिति में खतरा ज्यादा हो जाता है। पर आप जब मर्यादित होकर के संविधान के दायरे में बैठ करके कोई बात करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की सोच के साथ बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती। आपको अपने लक्ष्य को केंद्रित रखना होता है और उस पर काम करते रहना होता है। किसी का सवाल था, वो काफी ऊपर चला गया, मैं नाम नहीं पढ़ पाई। उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल, ये दोनों सनातन अलग चीजें हैं, और सनातन हिंदू, और हिंदू क्या ये दो दोनों अलग अलग चीजें चीजें हैं। हैं? सनातन तो वास्तव जो शब्द है वो सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म तो मुगल काल के बाद आया, किसी ने बोला कि ये सिंधु के उस पार रहते हैं तो ये हिंदू है, लेकिन ये सब फर्जी कॉन्सेप्ट है। जो हिंदू शब्द है, इसको फारसी जो शब्दकोश है, जो उर्दू शब्द है, जो अरबी शब्दकोश है, इसमें जो हिंदू शब्द का अर्थ है वो है चोर, काला, लुटेरा और काफिर। तो उन लोगों ने हमें इस नाम से पुकारा कि ये जो देश है, जो सिंधु नदी के उस पार है, यहाँ पर चोर रहते हैं, यहाँ पर काले रहते हैं, यहाँ पर काफिर रहते हैं, यहाँ पर लुटेरे रहते हैं, उसको एक कॉमन नाम दे दिया गया जिसका नाम था हिंदू, और उसी के आधार पर इस देश का उन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। आप देखेंगे जितने भी इस्लामिक देश हैं, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये स्तान स्तान वाले जो देश होते हैं, ये इस्लामिक देश है, क्योंकि स्तान जो शब्द है, स्तान एक तो होता है स्थान, स्थान तो हिंदी, लेकिन ये जो स्थान है ये उनकी भाषा का शब्द है, स्थान इस्लामिक शब्द है। है, तो उन्होंने इस शब्द को भारतीय लोगों को दिया और हमने उसे गर्व से स्वीकार कर लिया। आप 6 दर्शन में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं पाएंगे, आप रामायण में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं पाएंगे, जो विशुद्ध वाल्मीकि रामायण है, आप मनुस्मृति में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं पाएंगे, श्रीमद् भगवद गीता में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं पाएंगे, वेदों में भी कहीं भी हिंदू शब्द आप चारों में कहीं पर भी नहीं पाएंगे। ये हिंदू शब्द नहीं है। आप पाएंगे जब आप रामायण रामानंद सागर की देखेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मणी हे आर्य पुत्र कहकर संबोधित करती हैं। अर्जुन को जब रणभूमि में खड़े होकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, तो वो भी अर्जुन को हे आर्य पुत्र कह के संबोधित करते हैं। अनन्य स्थानों पर श्री राम को जब माता सीता संबोधित करती है रामायण में, तो उसमें भी हे आर्य पुत्र कह करके संबोधित करती है, हे आर्य वंशज, हे आर्य कुल के अनुगामी। तो आर्य जो शब्द है,
ये वास्तव में इसलिए वेदों में आया, इंद्रम वर्धन तु अपतुरा अपाघनम तु अरावणा कृमंतो विश्वम आर्यम मेक दिस वर्ल्ड नोबल। हम पापों को दग्ध बीज करते हुए पुण्यों को बढ़ाते हुए समस्त संसार को आर्य बनाए। वहां पर नहीं आया कि इस संसार को हिंदू बनाए, वहां पर नहीं आया कि इस संसार को मुसलमान बनाए, वहां पर नहीं आया कि इस संसार को ईसाई बनाए, आर्य बनाए, श्रेष्ठ बनाए। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत में अलग अलग स्थानों पर आर्य नगर नाम से स्थान बसे हुए हैं। जब भारत में षड्यंत्र किया गया और गरीब शोषित वंचित हिंदू लोगों को, जिनको हिंदू कहते हैं कहने के लिए सनातन धर्मी लोगों को, उनको ईसाई बनाया गया या जो मुसलमान बनाया गया, तो उनको स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि आप हमारे भाई हैं और हम आपको मौका देते हैं पुनः आकर के सनातन धर्म में जुड़ जाओ। उन्होंने 3 लाख से ज्यादा इस प्रकार के दूसरे संप्रदाय में चले गए अपने सनातन धर्मी भाइयों को वापस लाए और उनको शब्द दिया आर्य और बोल आर्य नगर बसाए। भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर आर्य नगर बसते हैं। तो आर्य जो शब्द है ये विशुद्ध है, वैदिक सनातन धर्म जो शब्द है ये विशुद्ध है। ये हिंदू धर्म तो थोपी हुई चीज है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये लोगों ने थोप दिया है। वास्तव में सनातन धर्म जो सदा से चला आया, जिसका ना कोई आदि है जिसका ना कोई अंत है, जो सदा रहेगा, इसके जो सिद्धांत हैं वो शाश्वत हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, ये यूनिवर्सल लॉज। देश काल परिस्थिति बदलने पर सनातन धर्म के सिद्धांत बदलते नहीं। जैसे गणित का एक सिद्धांत है 1+1=2, ये अमेरिका में 1+1=2 है, कनाडा में भी 1+1=2 है, इंडिया में भी 1+1=2 है और पाकिस्तान में भी 1+1=2 है। ठीक इसी प्रकार से जो सनातन धर्म है वो शाश्वत नियम का नाम है। सन आपके लिए भी सन है, मेरे लिए भी सन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप द्वारिका में बैठ करके और बटन दबा करके सन को ऑफ कर दें कि मुझे सन की रोशनी नहीं चाहिए, और पाकिस्तान में मैं ऑन कर दूं कि मुझे चाहिए। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल लॉ है। आप चीनी खाएंगे आपको भी मीठा लगेगा, मैं खाऊंगा मुझे भी मीठा लगेगा, आप नीम खाएंगे आपको भी कड़वा लगेगा और मैं खाऊंगा तो मुझे भी कड़वा लगेगा। तो ये धर्म है। तो इंसान का धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है, वही सब सनातन धर्म है। इंसानियत का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, जो कहता है दुनिया को आर्य बनाने के लिए, मनुर्भवा मनुष्य बनने के लिए, मनशील बनने के लिए, चिंतनशील बनने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि इस्लाम वाले इस बात में असहमत हो जाएंगे कि मनुष्य नहीं बनना है, जानवर बनना है, या ईसाई वाले कहेंगे कि नहीं 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 हम इस फिलॉसफी को नहीं मानते। ये सब पे लागू होती है, मननशील। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी रहे। क्या क्या ईसाई वाले कहेंगे कि मैं सुखी रहूं और मेरी मम्मी बेड पर पड़ी रहे, मेरे पिता बीमार पड़े रहे, या कोई मुसलमान कहेगा कि मेरे अब्बू मर जाएं, मेरी अम्मी से कूद जाएं? नहीं, दिस इज प्रिंसिपल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। सब पर लागू होने वाले जो सिद्धांत हैं वही तो सनातन धर्म के सिद्धांत है। लेकिन आप देखिए कि आजकल इतना ज्यादा अधकचरा ज्ञान है, इतना ज्यादा अधकचरा ज्ञान है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी तथा कथित रूप से शरीर पर भगवा लपेट करके और ना जाने क्या क्या बकवास करते हैं, ना जाने कितनी आक्रामक बातें बोलते हैं, ना जाने कितनी हिंसक बातें बोलते हैं जो तार तार करती है। लोग जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं तो इतनी आक्रामकता से लगाते हैं, इतनी विभत्ता से लगाते हैं कि मानो अभी भूकंप आ जाएगा, मानो अभी आतंकवादी कोई हमला हो जाएगा। लेकिन क्यों वो ऐसा करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ा ही नहीं। गुरुदत्त ने जीवनी लिखी है, यदि लोग उस जीवनी को पढ़ लेते तो ऐसा ना कहते। गुरुदत्त ने श्री कृष्ण की भी ये जीवनी लिखी है, ये बायोग्राफी लिखी है। आजकल लोग बायोग्राफी किसकी पढ़ते हैं, लेनिन की पढ़ते हैं। आजकल लोग पाश्चात्य दार्शनिकों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, प्लेटो की पढ़ते हैं और एरिस्टोटल की पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड, ये जितने भी पाश्चात्य और वेस्टर्न लोग हैं इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं। लेकिन भारत के लोगों को पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उनको ये आभास भी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की कोई बायोग्राफी होगी क्या, जबकि ऐसा है। लाला लाजपत राय का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बायोग्राफी लिखी। वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। आज जो पंजाब नेशनल बैंक भारत में है, इतना बड़ा बैंक आप पंजाब नेशनल, उसके संस्थापक थे। जो भारत में डीएवी चलते हैं उनके संस्थापक थे। जितने डीएवी हैं, आप देखिए डीएवी की कितनी चैन है। दयानंद एंग्लो वैदिक, महर्षि दयानंद थे दो,
एक लाला लाजपत राय, दूसरे स्वामी शब्दानंद। लाला लाजपत राय ने कहा कि हम वेदों की शिक्षा को एंग्लो बना करके, मतलब उसमें मॉडर्न प्रिंसिपल्स डाल करके मिक्स करके एक स्कूल बनाएंगे, जिसका उन्होंने नाम दिया दयानंद एंग्लो वैदिक। स्वामी शब्दानंद ने कहा नहीं, हमें एंग्लो नहीं करना, हमें प्योर करना है। तो उन्होंने गुरुकुल की स्थापना करी। और वो श्रद्धानंद जो वैश्यावृत्ति करता था, वो श्रद्धानंद जो शराब पीता था, वो श्रद्धानंद जिसके पिताजी अंग्रेजी सरकार में थानेदार थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो श्रद्धानंद जो स्वयं एक वकील था, बैरिस्टर था, उसने अपना घर बेच दिया, अपनी कोठी बेच दी, अपना बंगला बेच दिया, अपना सारा पैसा इकट्ठा करके वो आ गया हरिद्वार। और हरिद्वार में गंगा के किनारे, एक तरफ जहाँ बहुत बड़ी पहाड़ी है, दूसरी तरफ माँ गंगा की कलकल धारा बहती है, बीच में उसने शेर चीते भगोरों के बीच में एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां पर अंग्रेजी हुकूमत के वायसराय, और उन्होंने कहा कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे इस गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद ने बोला बिल्कुल सही खबर मिली है, यहाँ पर बम बनाए जाते हैं, मैं तुमको चलो दिखाता हूँ कि कहाँ बम बनाए जाते हैं। तो वो उन जो अंग्रेजी, जो सबसे बड़े अंग्रेजी के समय के अधिकारी थे, उनको लेकर के मैदान की ओर बढ़े, और वहां पर गुरुकुल में ब्रह्मचारी जो थे वो कसरत कर रहे थे, वो व्यायाम कर रहे थे, बड़े बड़े हट्टे कट्टे ब्रह्मचारी। और उन्होंने कहा ये देखो ये बम है, और यही वो बम है जो तुम्हारी इस हुकूमत को, अंग्रेजी सत्ताओं को उठा करके बाहर फेंक देंगे इस देश से, ये वो बम है। और आओ अब तुमको लेके चलता हूँ इन बम को बनाने की मशीन के पास। और वो उनको लाइब्रेरी में लेके गए, पुस्तकालय में लेके गए, वाचनालय में लेके गए, ग्रंथालय में लेके गए, और उनको वो किताब दी, बोले कि ये देखिए ये है वो बुक द लाइट ऑफ ट्रुथ जो महर्षि दयानंद ने लिखी, इसके आधार पर मैं इनको तैयार करूंगा। फिर अंग्रेजी हुकूमतों ने षड्यंत्र रचा, उन्होंने कहा स्वामी जी हम आपको ऐड देंगे, यानी कि हम आपको पैसा देंगे, फंड देंगे, हम आपके गुरुकुल को पैसा देंगे और आप इस काम को बहुत अच्छे से कीजिए। वो उनका षड्यंत्र था, क्योंकि उस समय पे भारत में जितने भी शिक्षण शिक्षण संस्थान चल रहे थे वो सबके सब अंग्रेजों के अधीन चल रहे थे, क्योंकि टीबी मैकॉले ने समस्त वेदशालाओं को, समस्त 7,32,000 गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया था। उन गुरुकुलों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ब्रह्मचारियों और आचार्यों के या तो हाथ काट दिए थे, या उनको मार दिया था, या उनको धमकी दे करके वहां से भगा दिया था। और 77,000 मैडम मॉन्टेसरी नाम की एक महिला थी जिसने इस देश में प्राइमरी एजुकेशन की नींव रखी, और 77,000 प्राइमरी मॉन्टेसरी स्कूल खोले गए उन सब वेद पाठशालाओं को बंद करके एक सिरे से। एक भी स्कूल भारत का कोई ऐसा नहीं था जो बिना अंग्रेजी हुकूमत के नियम कानून कायदे संविधान और आज्ञाओं के बिना चलता हो। लेकिन उस समय स्वामी श्रद्धानंद एकमात्र महापुरुष थे जो उस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को जंगल के बीच में बिना अंग्रेजों की सरकार के पैसों के चलाते थे। तो श्रद्धानंद ने उनसे मना कर दिया, उन्होंने बोला मुझे आपकी कोई ऐड नहीं चाहिए, कोई फंड नहीं चाहिए, कोई ग्रांट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहिए आपको? बोले कि तुम्हारा पैसा लेकर के मैं इन ब्रह्मचारियों को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा होगा देश वैसा होगा भेष, तो मुझे माफ करो मुझे आपका एक रुपया भी नहीं चाहिए। अब आप यकीन मानिए कि ऐसे महान पुरुषों की धरती हमारी भारत है। तो उस स्वामी श्रद्धानंद ने इनकी जड़े खोद के रख दी, और वहीं से भारत की क्रांति का आगाज हुआ। महात्मा गांधी को स्वामी श्रद्धानंद ने अपने ब्रह्मचारियों द्वारा मजदूरी करा करके साउथ अफ्रीका में पैसा भेजा। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में लड़ रहे थे उन सत्ताओं के विरुद्ध, तब यहां से पैसा भेजा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जब स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी एक अब्दुल राशिद नाम के आतंकवादी ने, तो स्वामी श्रद्धानंद के गोली मारने के बाद जब एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, तो महात्मा गांधी ने उस अधिवेशन में कहा कि मैं अब्दुल राशिद का केस लड़ूंगा, मैं अब्दुल राशिद की पैरवी करूंगा। जिस श्रद्धानंद ने गांधी को मजदूरी करके पैसा भेजा, उस श्रद्धानंद के लिए गांधी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था, अब मुझे लगता है कि हम ऐसे ऐसे चल के सवाल आपका नहीं, आपने आपने सच में, मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आपके पास इतनी नॉलेज है, आप मतलब कितना इतने कम समय में कितना पढ़ चुके हैं और कितना रिसर्च कर चुके हैं आप। मुझे लगता है कि पूरा जीवन तो आपने सिर्फ इसी में लगा दिया है कि अपनी शिक्षा के बाद, आपकी शिक्षा हमारी, जो मेरी शिक्षा हुई है 12 तक, आपने बाकी गुरुकुल की पढ़ाई में। मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं, 6 तक तो मैं बिल्कुल प्योरली इंग्लिश मीडियम में पढ़ा,
पे, और वहां पर जुर्माना लगाया जाता था अगर अंग्रेजी नहीं अच्छा बोलेंगे तो जुर्माना। और मैं क्योंकि नर्सरी हिंदी में, मैं एक बोलनी, ऐसे स्कूल में हाँ पढ़ा वो उतना अच्छा ऐसे नहीं स्कूल होते था, हैं। नर्सरी के बाद मैंने यूकेजी नहीं करी, मेरे घर वालों ने मुझे उस मतलब पूरे जिले के सबसे बढ़िया स्कूल में, जो इंग्लिश मीडियम था उस समय सबसे महंगा, और उस समय जब मैं फर्स्ट क्लास में एडमिट हुआ तो 1,000 रुपये महीना फीस थी। आप अब मतलब आज मुझे लगता है कि ओ ये बीस वर्ष अच्छी पुरानी नहीं खासी 18-19 वर्ष पुरानी बात होगी। उस समय भी 1 महीने, आज भी बच्चे ट्यूशन की 1,000 फीस देते हैं तो उनको बोझ सा लगता है कि 1,000, उस समय 1,000 रुपये हमारी महीने की फीस थी। तो उन्होंने मुझे बोझ उतने लगता महंगे है। स्कूल में डाला, और वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान है, मैदान था उस समय, तो हम लोग प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे, सब बच्चे छोटे छोटे तो थे। तो एक मैडम अंग्रेजी, अब मैं क्योंकि नर्सरी में एक ऐसे माहौल में रहा, वहां पे इंग्लिश इंग्लिश कुछ थी नहीं, अब 1 साल आप ऐसे माहौल में रहे जहाँ इंग्लिश की कोई बात नहीं हुई, और बच्चे हैं आप, मन आपका उतना हाँ विकसित नहीं है, तो जब प्ले ग्राउंड की तरफ हम लोग खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे आज भी वो बात स्मरण है, वो पहला दिन था, तो सब मैडम बोल रही, बच्चों बच्चे भाग रहे खूब सारे ग्राउंड में, तो मैडम बोल रही कम हेयर कम हेयर कम हेयर, तो ये अंग्रेजी शब्द था, तो मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या शब्द है, तो मैं उस शब्द को उस मैडम से सुनता रहा। फिर जब वो बच्चे उसकी तरफ हाँ भागने लगे तो मैंने अनुमान लगाया, उस समय मैंने बोला कि शायद कम हेयर का मतलब वो इधर आना है, तभी मैडम के कहने पर इधर आ गए हैं। तो वो एक ऐसा स्कूल था प्योरली इंग्लिश, आप हिंदी नहीं बोल सकते, तो 6 तक तो मैं वहां पे पढ़ा। उसके बाद मैं एक ऐसे स्कूल में गया, आपने गायत्री परिवार का नाम सुना होगा, अखिल विश्व, वहां उस स्कूल में मैं गया, और आप आश्चर्य करेंगे कि एक हाँ हाँ बिल्कुल सीबीएसई का स्कूल, और वहां की यूनिफॉर्म क्या थी, पीला कुर्ता और सफेद पजामा, और वहां उस सीबीएसई, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संचालित होता है, लेकिन वहां दो चीजों ने मुझे बहुत बल प्रदान किया। एक तो वहां की मतलब जो भाषा थी, जो प्रिंसिपल, अब जब मैं एकदम अंग्रेजी माध्यम से प्योरली हिंदी वाले में गया, तो प्रिंसिपल जब रोज सुबह आकर के भाषण देते थे तो वो एक शब्द को बार बार कोट करते थे जिसका नाम था अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। इस शब्द का मतलब नहीं पता क्योंकि हम तो 6-7 साल हाँ प्योरली इंग्लिश में पढ़े। हाँ डिसिप्लिन, हाँ, तो दस डिसिप्लिन पंद्रह में दिन तो मैं रहे, उस डिसिप्लिन शब्द में को रहे। समझ ही नहीं पाया कि व्हाट प्रिंसिपल इज सेइंग एक्चुअली, व्हाट इज दिस अनुशासन। तो मुझे बाद में पता चला ओ अनुशासन मतलब, क्योंकि वो बोलते थे अनुशासन चलेगी बच्चों, अनुशासनहीनता, तो मुझे समझ में आया कि ओ अनुशासन मतलब डिसिप्लिन है। फिर मैंने वहां पे 7th से लेकर के 12th तक मेरा उस वातावरण में रहना हुआ, कुर्ता पजामा पहन के जाना, सफेद मतलब पीला कुर्ता सफेद पजामा, और हवन होता था प्रति गुरु गुरुवार को, हर गुरुवार को हवन होता था, रविवार को, रवि ओ वीरवार को सॉरी, तो हवन होता था, मंत्रोच्चार होते थे, हिंदी वो लोग सुनता था मैं, उनकी प्योर हिंदी थी, धोती कुर्ता, टीचर धोती पहन के आते थे, हमारे जो टीचर थे वो धोती पहन के आते थे, कुर्ता पहन के आते थे, और जो साड़ी पहन के आती थी पीली साड़ी, उनकी अलग अलग ड्रेस थी, हरी साड़ी पीली साड़ी ऐसे ऐसे करके, तो वो एक अलग आभामंडल था, पढ़ाई वही हो रही थी, मैथमेटिक्स इंग्लिश साइंस सोशल साइंस ये सब चीजें ही पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन वहाँ एक अलग प्रकार का माहौल था। तो वहां से मैंने हिंदी के शब्दों को सीखा, और फिर उसके बाद मुझे मौका मिला स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल में पढ़ने का, तो 3 साल मैंने वहां पढ़ा, वही गुरुकुल जहां पर वाई मैंने अभी जिक्र किया, तो वहां फिर मैंने, फिर उसके बाद वाह मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स कर ली, वाह और फिर अभी मैं वैदिक लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा हूँ, सेकंड मास्टर्स, तो उसी गुरुकुल से स्वामी श्रद्धानंद के यहाँ से, लेकिन जो जर्नलिज्म में मैंने मास्टर्स की वो दूसरी जगह से करी। तो ये है जो आपने पूछा। बाप रे, मतलब अद्भुत आपकी जर्नी जो है, आपकी शिक्षा की ही जर्नी बहुत अद्भुत है। तो मैं समझ सकती हूँ, जब व्यक्ति इस तरीके से उसका परवरिश, उसकी परवरिश होती है, तो वो एक आइडल ह्यूमन बनता है। आपके अंदर ह्यूमैनिटी का पूरा टच है, और आप ना अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, और मुझे लगता है संस्कृति को बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल और था, आपने किताब लिखी है रिलीजियस ट्रैक, नाम इतना अट्रैक्टिव है, क्योंकि कोई भी चीज थोड़ा सा ऐसी कैची सा होता है ना, तो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या। तो अगर मैं आपको पूछूं
पूछूं कि आपने इसमें डाला क्या है, मतलब अभी ऐसा क्या है, कौन सा हमने ट्रैक हो इसको गया रिलीज हुआ प्रॉपरली पब्लिश जिसके नहीं बारे में किया आपने है, लिखा तो क्या था? लेकिन इसमें जो बातें हैं उसका मैं छोटा सा एक विवरण दे देता हूं। वो इस प्रकार की है कि आज आप जो असली धर्म है, जो असली संस्कृति है, असली परंपराएं हैं, उसकी कहीं बात नहीं होती, उसका लोगों को पता ही नहीं है। और जो नकली चीजें हैं वो घर घर में प्रवेश कर गई हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो ये क्या है, एक प्रकार का ट्रैप है। हम जो ईश्वर है असली, उसका हमको पता नहीं, और जो नकली ईश्वर है उनको हमने ईश्वर बना दिया है। कभी उनके पैरों में पड़ जाते हैं, कभी हम उनकी चरण वंदना करने लगते हैं, कभी हम उनकी आरती करते हैं। और भारत के जो सनातन धर्मी है वो इतने सॉफ्ट हो गए पिछले कुछ सालों में कि उनको यदि आप कुछ भी कह दोगे ना तो वो उसी को ईश्वर मान लेंगे। आप एक उत्तर प्रदेश में एक मंदिर है, उस मंदिर में जब हम घुसे तो वहां पर हम आश्चर्यचकित हो गए कि मंदिर में वहां कोई कृष्ण की मूर्ति नहीं थी, श्री राम की मूर्ति नहीं थी, हनुमान की मूर्ति नहीं थी, वहां एक कुतिया की मूर्ति थी और ऊपर लिखा हुआ था जय कुतिया महारानी नमो नमः। अब आप अनुमान लगाइए कि धर्म के नाम पर कितना बड़ा मकर जाल है। राजस्थान में हम एक मंदिर में गए तो वहां पर किसी देवी देवता इष्ट पूज्य पुरुष महापुरुष की मूर्ति नहीं थी, वहां पर मूर्ति थी, वहां पर एक बुलेट की पूजा होती थी, रोज सुबह शाम उस बुलेट की आरती होती थी, बुलेट की आज भी वहां पर पूजा होती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये धर्म रिलीजन के नाम पे एक बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप। तो इस रिगार्डिंग हमने उस विषयों पे चर्चा की है उसमें, तो जब हम उसको अवेलेबल कर देंगे पब्लिक के लिए तो फिर लोग उसको पढ़ पाएंगे। मतलब जब आप इसे जी रिलीज जी करेंगे तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है ऐसी चीजों को पढ़ने में। अच्छा गौतम जी, देखिए, आपको इंस्पायर अगर कौन करता है? इंस्पिरेशन की बात करें तो हमें प्रत्येक व्यक्ति इंस्पायर कर देता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। क्योंकि हम देख मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा, जिस मैं पीले कुर्ते और सफेद पजामे की बात कर रहा हूँ, वहां पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति थे स्काउट गाइड के टीचर, बहुत समर्पित, सुबह से लेकर वो साइकिल पे आया करते थे उस, इतने समर्पित कि उनका काम को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, बच्चों को मैसेज, और सैलरी कितनी, 5,000, 6,000, 7,000, और आज भी उनकी इतनी सैलरी होगी। और जब मैं वहां से पास आउट हुआ तो एक साल के बाद मुझे पता चला कि वो अब उस स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ा ऐसा स्कूल है वो पीला कुर्ते वाला, कि वहां पर एडमिशन लेने के लिए माता पिता परेशान रहते हैं, इधर उधर से सोर्स लगाते हैं और किसी की सोर्स नहीं चलती। तो मैं उस वाक्या से बहुत इंस्पायर हुआ कि एक व्यक्ति जो साइकिल पे आता था, सिंपल धोती, 90 रुपए का मीटर का कपड़ा पहनने वाला और एक साइड में झोला टांगने वाला, उसका समर्पण, उसका त्याग, कि आज वो उस इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल बन गया। ये चीजें हमको कोई भी इंस्पायर कर सकता है, एनी वन कैन इंस्पायर अस। लेकिन अगर आप धार्मिक दृष्टि देखेंगे तो महर्षि दयानंद ने मुझे बहुत प्रभावित किया, स्वामी श्रद्धानंद ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि बहुत सामान्य परिवारों से थी। ये भाग गए घर से और देश धर्म संस्कृति के लिए, जितना भी आज आप ढांचा देखते हैं डीएवी का, ये कहाँ से आया, इतना बड़ा ढांचा है डीएवी का कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, हर स्थान पे आपको डीएवी तो मिलेगा ही मिलेगा। और वो डीएवी कहाँ से आया, वो डीएवी महर्षि दयानंद के एक शिष्य ने बनाया। गुरुकुल कहाँ से आए, वो उनके आधुनिक भारत में जो गुरुकुल है वो सब महर्षि दयानंद के शिष्यों ने बनाया। और टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास, एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हुए, उनको ईश्वर विश्वास नहीं था और उनकी किताबें आज भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने महर्षि दयानंद के अंतिम समय में उनके साथ समय बिताया, तो उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी, मैं आपका भले ही कितना अच्छा शिष्य हूं या मैं आपसे कितना ही स्नेह करता हूं, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता मैं आज भी, लेकिन आपके अंतिम समय में आपकी दृढ़ निष्ठा, परमात्मा के प्रति अगाढ़ श्रद्धा को देखते हुए मैं मजबूर हो गया हूं कि वास्तव में कोई दैवीय सत्ता तो है, कोई ईश्वर नाम की सत्ता तो है, क्योंकि आप इतने कष्ट में हैं अंतिम समय में। 17 बार उनको जहर दिया गया स्वामी दयानंद को, 17 बार, 17वीं बार जब उनको जहर दिया गया तो जिस व्यक्ति ने उनको जहर दिया राज्य में, क्योंकि वो किसी राजा के यहाँ थे और उस राजा के नौकर ने किसी वैश्या के कहने पर उनको जहर मिला करके दूध में दे दिया, तो
आनंद को पता चल गया पीने के बाद कि मुझे जहर दे दिया गया, क्योंकि उससे पहले 17 बार उनका अनुभव था। लेकिन होता ये था कि जहर पीने के बाद वो कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे और जहर को उगल देते थे बाहर निकाल, लेकिन वो जहर बहुत प्रखर था, वो बहुत मजबूत जहर था, बहुत जहरी था। तो वो समझ गए कि जहर दे दिया, तो उन्होंने उस नौकर को बुलाया और बोला कि इससे पहले कि राजा को पता चल जाए कि तूने मुझे जहर दे दिया, तू ये 500 रुपए ले और इस राज्य से भाग जा, वरना ये तुझे मृत्युदंड दे देगा। मतलब अपने हत्यारे को भी उन्होंने संरक्षित किया, बचाया, उसकी जान की भी रक्षा की। कितना बड़ा अहिंसा का वो पुजारी होगा। तो उस दयानंद को जब कष्ट में देखा, क्योंकि बहुत पीड़ा में थे जहर देने के बाद, आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना तड़प के इस देह को छोड़ता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी जो इच्छा है ये संपूर्ण हो। और अंतिम समय में वो दीपावली के दिन इस देह को त्याग करके चले गए। तो गुरुदत्त विद्यार्थी जो साइंस का प्रथम प्रोफेसर था, आजाद भारत का प्रथम प्रोफेसर, उस व्यक्ति ने स्वामी दयानंद के बारे में ऐसा कहा। और इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे लोग से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। और श्रृंखला तो वैसे बहुत है, हम किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं। अच्छा, आपका कोई बहुत बड़ा, ऐसे तो बहुत सारे सपने हैं, लेकिन मेरा एक सपना है कि जो वास्तव में हमारे ऋषियों के सपने हैं, जो उनके सपनों की जो शिक्षा पद्धति है, जो एजुकेशन मॉडल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया विलियम एडम के द्वारा, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया मैक्स मूलर के द्वारा, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया विलियम हंटर के द्वारा, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया टीबी मैकॉले के द्वारा, और आज भी उनके वंशज इस देश में बैठे हैं, ये जो पार्लियामेंट हाउस है वो जो संचालित करते हैं, जो शिक्षा मंत्री बनते हैं, ये सब उनके वंशज हैं, उनके वंशज हैं और वो उनके पूर्वज हैं। तो भारत से काले अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी भारत की सत्ता, हाँ गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन भारत की सत्ताओं में आज भी काले अंग्रेज बैठे हुए हैं। तो मेरा एक इच्छा है कि हम एक ऐसे संस्थान को बनाए, एक ऐसे गुरुकुल को बनाए, एक ऐसे एजुकेशन मॉडल को डेवलप करें, जहां पर हम उसी परंपरा को पुनः लागू कर सके, जिसका महिमा मंडन, जिसका बखान टीबी मैकॉले ने खुद किया पार्लियामेंट में खड़े होकर के, जिसके आधार पर भारत में 97% लिटरेसी रेट था। और उस समय इंग्लैंड में टीबी मैकॉले खुद कह रहा है कि 17% लिटरेसी रेट था, खुद पार्लियामेंट, वो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट में कार्रवाई होती है आज भी उसको डॉक्यूमेंट करके रखा जाता है। तो वो टीवी मैकॉले उस डॉक्यूमेंट में लिखा है ऐसा कि उसने कहा कि 17% ही साक्षरता दर है, और स्कूल्स कहीं नहीं है, हेल्थ मॉडल वहां उस समय कहीं नहीं था, लेकिन भारत में था, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो मेरी एक यही सपना है कि हम उन परंपराओं को, उन ऋषियों का जो सपनों का एजुकेशन मॉडल जो पहले था उसको बनाए। जी, थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि आखिर दो सवाल मेरे बच रहे, तो मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ। जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि शायद आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि गौतम खट्टर जो हैं वो नफरत फैलाते हैं, वो हिंदू मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़ी रेखा खींच के रखते हैं, वो हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या वाकई सिर्फ अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने दूसरे की? सबसे पहला तो अपना धर्म, आपका धर्म, मेरा धर्म, उसका धर्म, इसका धर्म नहीं होता। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, धर्म एक होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जो धारण करने योग्य होता है वो धर्म होता है, जो धारण करने योग्य नहीं होता वो अधर्म होता है। धारणात धर्म इत्याहु, जो सिद्धांत जीवन में धारण करके आप उच्चता को प्राप्त हो, आप उच्चतर शिखर पर जाए, वो तो धर्म है। जो सिद्धांत धारण करने योग्य नहीं है और उनको आप धारण करते हैं और आपका पतन होता है, तो वो अधर्म है। जैसे मेरा भी धर्म है कि मैं प्रत्येक नारी का सम्मान करूं, तो मैं उच्चता को प्राप्त होऊंगा, और मैं नारियों का अपमान करूं, उनके साथ मारपीट करूं, उनके साथ
अभद्रता करूं, उनको कुछ गलत कहूं तो पतन होगा निश्चित तौर पर। अब कोई कोई मुसलमान इस बात से क्या असहमत हो जाएगा कि नारियों का सम्मान नहीं करना चाहिए और उनका अपमान करना चाहिए? नहीं, नहीं हो सकता। कोई ईसाई भी नहीं हो सकता। तो मेरी जो बातें हैं, मैं आप एक भी मेरा स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते कि जहां पर मैंने जहर उगला हो या जहां पर मैंने लोगों के बारे में कुछ गलत कहा हो, किसी के बारे में अभद्रता कही हो। मैं सही बात को कहता हूं। और आप जो कह रही हैं कि अपने धर्म को श्रेष्ठ कहने में सिद्ध कर रहे हैं, पहली बात तो अपना उनका इसका किसका नहीं है, एक ही धर्म है जिसको बोलते हैं सनातन वैदिक धर्म, जो सत्य सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। दूसरी बात, इस्लाम का इतिहास आप देखेंगे तो 1400 साल पहले तो कोई इस्लामिक नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कुरान नहीं थी, और कुरान का प्रादुर्भाव तो इस्लाम मोहम्मद के आने के 400 साल के बाद हुआ, 400 साल के बाद, उनके होने के जन्म काल के 400 साल बाद कुरान का ज्ञान लोगों को मिला। तो उससे पहले कौन था? ईसाई का इतिहास 2022 वर्ष पूर्व आपको कहीं नहीं मिलेगा। उससे पहले क्या धर्म था? उसके और पीछे जाएंगे तो 3000 साल पहले आपको बौद्ध नहीं मिलेंगे, जैन नहीं मिलेंगे। उससे पहले क्या था? 4500 वर्ष पुराने इतिहास में जाएंगे, कोई दुनिया में यहूदी नहीं था, कोई दुनिया में पारसी नहीं था, कोई दुनिया में जिंदा अवस्था को मानने वाला नहीं था। उससे पहले क्या था? फिर वो सनातन धर्म था। अब आप कहेंगे फिर ये सब क्या है? ये सब है मत पंथ संप्रदाय, मत पंथ संप्रदाय। धर्म तो केवल एक है, नारी का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, पिता का अपना धर्म है, सबका अपना अपना एक धर्म है, एक धर्म है, अलग अलग नहीं है, एक है। मत पंथ संप्रदाय और मजहब, ये क्या है फिर? ये इस्लाम, यहूदी, क्रिश्चियन, जिंदावस्था, पारसी, जैन, बौद्ध, ये है मत पंथ संप्रदाय। मत पंथ संप्रदाय क्या होते हैं? एक समूह विशेष जिसकी अपनी एक कोई विशेष पूजा पद्धति हो, अपना कोई एक ग्रंथ, अपनी कुछ एक नियमावली हो, अपना एक अलग संविधान हो, ऐसे एक समूह को मत कहते हैं, ऐसे एक समूह को पंथ कहते हैं, ऐसे एक समूह को संप्रदाय कहते हैं, ऐसे एक समूह को मजहब कहते हैं। आपने निर्धारित किया कि मेरा ईश्वर ये है, एक कुछ भी बना दिया आपने कि मैं, मेरा ईश्वर ये है और इसका ये संविधान है और इसकी पूजा ऐसी करनी है, और उसमें आपने 2 लाख लोग जोड़ लिए और आपने बोला कि हम वेद को नहीं मानते, हम कुरान को नहीं मानते, हम क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, ये है, तो वो क्या हो गया? वो एक आपका संप्रदाय हो गया, वो आपका मजहब हो गया। और ऐसे ही संसार में मजहब 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 होते ही चले गए, होते ही चले गए, और ये सब स्वार्थ के वशीभूत होते हैं, महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होते हैं कि मुझे सनातन धर्म में लैम्पलाइट नहीं मिल रही, हाईलाइट नहीं मिल रहा, प्रकाश प्रकाश नहीं मिल रहा, तो मैं अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए स्वयंभू ईश्वर बन जाऊंगा कि तुम ये जो ईश्वर को पूज रहे हो, हवन कर रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, ये सब बकवास है, इसको हटाओ, तुम आओ मेरी शरण में, मेरी पूजा करो, और ये संविधान ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा मिल जाएगा, चटनी खाओगे तो तुमको ये मिल जाएगा, समोसे खाओगे तो तुमको ये मिल जाएगा। तो लोग कहेंगे अरे सनातन धर्म के सिद्धांतों को पालन करना, प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान करना, प्रतिदिन स्नान करना और स्नान करके ध्यान में बैठना, ये तो बड़ा टिपिकल काम है। ये जो गौतम का धर्म है जहां पर नहाने का कोई प्रावधान नहीं, जहां पर स्वच्छता का कोई प्रावधान नहीं, यहाँ बस समोसे खाओ, चटनी खाओ और मोक्ष पे पहुंच जाओ, ये सबसे बढ़िया, इसको छोड़ो और इसको अपना लो, तो इसी सिद्धांत के आधार पर लोगों ने संप्रदायों संप्रदाय का विकास करते चले गए। मैंने कहीं नहीं कहा कि सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है, मैंने ये कहा कि सनातन के सिद्धांत ही सत्य हैं। आप उठा करके देख लीजिए, अन्यों को पढ़ के देख लीजिए, लेकिन क्या है ना, समस्या ये है कि भारत के लोग तो भगवत गीता ही नहीं पढ़ते, तो आप उनसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो कुरान पढ़ते होंगे। आज भारत के अंदर जितनी भी मजारे हैं, जितनी भी मजारे हैं, उन पर एक भी मुसलमान नहीं जाता जो सच्चा और पक्का मुसलमान है, क्योंकि उसमें वो हराम है, उसमें सिर्फ एक ही के आगे सिर झुकाना है और वो है अल्लाह, और उनमें एक ही नियम है काफिर ना होने का और मुसल्लिम होने का, उनमें एक ही नियम है कि जो व्यक्ति कुरान को मानता हो, जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाता हो, जो व्यक्ति मोहम्मद साहब को मानता हो, वो ही इस्लामिक है। ये बुत परस्ती का नियम उनके यहाँ नहीं है, मूर्ति पूजा का नियम उनके यहाँ नहीं है,
कब्र पूजा का नियम उनके यहाँ बिल्कुल निषेध है। कब्र पूजा कौन कर, भारत के लोग करते हैं, भारत के रहने वाले सनातन ओ धर्मी करते हैं। क्या करते हैं, एक व्यक्ति आया अफगान से आया और उसने भारत की महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनके छोटे छोटे बच्चों को भाले की नोक पर लटकाया, फसलों में आग लगा दी, मंदिरों को तोड़ दिया, शिवलिंग को उठा करके ले गया और अपने देश की मस्जिद के पैड़ियों में सीढ़ियों में लगाया शिवलिंग को, ताकि कोई भी व्यक्ति जब नमाज करने जाए मस्जिद पे तो उस पत्थर पर चढ़ करके जाए। उस व्यक्ति की भारत में लोगों ने मजार बना दी, अजमेर शरीफ की दरगाह। जिस व्यक्ति ने महमूद गजनबी को, मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया कि आप आओ, आकर के भारत में हमला करो, यहाँ को लूटो, यहाँ के धन संपदा को लूट करके ले जाओ, उस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बना दी। और आज वहां पर सबसे ज्यादा नतमस्तक कौन होता है, सनातन धर्मी होते हैं। इसको कहते हैं अपने विनाशकों का उपासक होना। सलार मसूद गाजी नाम का एक व्यक्ति बहराइच में आया और उसने आकर के डेरा लगा लिया, यहाँ पर लूटपाट करता रहा, यहाँ पर लोगों को अत्याचार का प्रताड़ित करता रहा, आक्रमण करता रहा। उस वहां का एक राजा था, राजा सुहेलदेव, जब उस बात उस व्यक्ति को, उस राजा को, उस क्षत्रिय को, उस योद्धा को, उस वीरता, शोरता, धीरता, गंभीरता के स्वामी को ये खबर लगी कि एक आक्रमणकारी आया है और वो हमारे राज्य में कब्जा करना चाहता है अवैध, तो उस सलार मसूद गाजी ने सभी वहां के सामान्य राजाओं को एक खत लिखा कि मैं उस आक्रमणकारी से लड़ने जा रहा हूं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी तलवारें मयानों में कैद ना हो जाएं, यदि तुम चाहते हो कि तुम इस भारत की अपनी स्वदेश भूमि पर खुली हवाओं में चैन की सांस ले पाओ, तो चलो मैं जा रहा हूं उससे लड़ने, तुम मेरे पीछे आ जाओ, हमें उस आक्रमणकारी को यहां से भगाना है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि तुम सब प्रतंत्रता की जंजीरों में जकड़ लिए जाओगे। राजा एकत्रित हुए सलार मसूद गाजी के नेतृत्व में जाकर के, सलार मसूद गाजी से लड़ने के लिए राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में पहुंचे और सलार मसूद गाजी को मार गिराया, खत्म कर दिया। अब क्या करा भारत के लोगों ने, वीरता किसने दिखाई थी, राजा सुहेलदेव ने। मेला किसकी समाधियों पे लगना था, किसके स्मृतियों में लगना था, किसके स्मरण में लगना था, राजा सुहेलदेव के। लेकिन उनकी समाधियों पर आज एक दिया भी नहीं, जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन और जगमगा रहे हैं दिए कब्रों पे उनके, जो बेचकर खाया करते थे शहीदों का कफन। आज सुहेल देव के नाम का कोई स्मरण नहीं, कोई याद नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई मेला नहीं, कोई जश्न नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई इवेंट नहीं। लेकिन वहां जाकर के देखिए तो आपको पता चलेगा कि बहराइच में गाजी बाबा बोल दिया उस आक्रमणकारी को। सनातन धर्म ने कहा ये तो गाजी बाबा है, ये तो महान है, और उसकी कब्र बना दी और उस पर रोज आए दिन मिल लग रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं। इसीलिए दादू ने कहा था, दादू एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने कहा दादू दुनिया बावरी, कब्रे पूजे ऊत, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। कैसे भारत के अपने विनाशकों की क्यों उपासना करते हो भैया, तुम्हारे पूर्वजों को बिल्कुल जिसने मारा, जिसने आक्रमण किया, उसको तुम पूजा कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। अब बताओ मैंने इसमें जो सच कह दिया तो क्या गलत कह दिया। भारत के युवा इतने समय से पूज रहे थे, उनको नतमस्तक हो रहे थे, मैंने कुछ सच कह दिया तो बहुत से लोगों ने करना बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया। आज आप देखेंगे तो अजमेर शरीफ की दरगाह सूनी पड़ गई है, सूनी पड़ गई। क्यों सूनी पड़ गई है, क्योंकि लोग जागरूक हो गए। पहले क्यों जा रहे थे, क्योंकि सारे फिल्म स्टार्स जाते थे। अमिताभ बच्चन की कोई मूवी आएगी तो आप हमेशा खबरों में देखते होंगे कि उन्होंने अमन चैन की दुआ मांगी, कहां जाके मांगी, अजमेर शरीफ की दरगाह मांगी। अरे जिसकी दरगाह है वो पहले उसको जानो कि उसने अपने पूरे जीवन में अमन और चैन के विरुद्ध कार्य किया, अपने जीवन में अमन और चैन का उसका कोई सिद्धांत नहीं था, उससे जाकर के अमन और चैन की दुआ मांग रहे हो, क्या मतलब है। कोई आपने फिल्म स्टार नहीं देखा होगा जो हर की पौड़ी पर जाकर के, महाकालेश्वर उज्जैन पे जाकर के, कोई भी ऐसा फिल्म स्टार नहीं देखा होगा जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारका, वृंदावन, मथुरा जाकर के अपने मूवी का प्रमोशन करता हो। आपने सब फिल्म स्टार अब बदल रही है, अब बदल रही है, चीजें बदल रही क्योंकि हैं, लेकिन अब डिमांड चीजें बदल रही उस हैं, हम तरीके की लोग है। आप ये मत सोचिए कि ये बॉलीवुड के लोग चेंज हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो रियल लाइफ के एक्टर हैं।
ये रियल लाइफ में जो एक्टिंग करते हैं सिनेमा में वो तो है, ये रियल लाइफ में भी, क्योंकि इन्होंने भांप लिया कि भारत के लोग अब जागरूक हो गए हैं, तो हमको हाँ अब इनके अनुसार चलना होगा। ऐसा करो, अजमेर शरीफ की दरगाह जाना बंद करो, अब इधर चलो। अब जाकर के वो वाराणसी में आरती कर रहे हैं अक्षय कुमार, वहां पर शिवलिंग पर दूध चढ़ा। और उससे पहले उन्होंने क्या कहा कि शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाया जाता है ये तो बहुत बड़ा पाखंड है, जब ओ माई गॉड पिक्चर आई। और वही व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान के प्रमोशन के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा। मैं इस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि दूध चढ़ाना सही है या गलत है, वो एक अलग विषय है। चलो मैं तो कहता हूं कि हाँ वो तो गलत है, नहीं चढ़ाना चाहिए, रिसोर्सेस का खराब होता है, ठीक है। लेकिन फिर उस समय आप ऐसा क्यों कह रहे थे और आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? या तो तब आप गलत थे या अब आप गलत हो। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य, मैं जो है ना हिस्टोरिकल बातों हाँ को सच बोलता हूँ, सही बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, फैक्ट पर बात करता हूँ। तो उससे लोगों को लगता है कि मैं नफरत फैला रहा हूं। अब सच बोलना यदि नफरत है तो इसका क्या जवाब हो सकता है? कोई जवाब तो है नहीं। ना हाँ अच्छा, अब मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जो शॉर्ट शॉर्ट जवाब है। पहला कि आप अब से कुछ सालों बाद खुद को किस रूप में देखते हैं? एक धर्म के रक्षक के रूप में अपने आप को देखते हैं, एक संत के रूप में अपने आप को देखते हैं, या फिर एक ऐसा ही पॉलिटिशियन के एक रूप में अपने सवाल आप को मैंने एक देखते हैं? साध्वी से पूछा था, और वो साध्वी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी थी। और हाँ, आज से 25 साल पहले वो ऋषिकेश में आई थी अच्छा पीएचडी करने के बाद, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और उन्होंने हाँ कहा कि गंगा जी के पास आई, बैठी 5 मिनट और मेरा पूरा जीवन बदल गया। उस दिन के बाद मैं बाहर गई, वापिस गई नहीं अपने देश, और फिर यहीं पे मैं सन्यासी हो गई, साध्वी हो गई। अब उनकी उम्र 50 साल हो गई। उनका नाम है साध्वी भगवती सरस्वती। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, हाँ मैं उनको जानती तो हूँ। उन्होंने कहा अच्छा आई हैव गिवन माई रेन्स इन द हैंड ऑफ गॉड। जैसे अर्जुन ने अपने रथ जो कमजोर है वो कृष्ण के हाथ में दे दी है हाँ कि अब आप ही जानो उस पार जाना है, इस पार जाना है या उस पार जाना है। तो मैं जो आज कर रहा हूं इसका कोई प्लान नहीं था, और जो मैं कल कर रहा हूं उसका भी कोई प्लान नहीं है। तो जहां भगवान लेके जाएंगे, जहां परमात्मा को समर्पित कर दिया, ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान। योग दर्शन में एक बात आया, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, ईश्वर परिधानानि क्रिया योगा। ईश्वर को परिधान कर दिया, समर्पित कर दिया। अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण भगवान, यत करोसि यदस्यनासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन तय तत्कुरुष मद अर्पणम। मुझे अर्पण करके चल, जो भी श्रेष्ठ कर्म है, जो भी कार्य है, मुझे अर्पण करके चल, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो भगवान है, अब जो होगा वो। ब्यूटीफुल सही है, सही है। आखिरी सवाल आपका, अगर जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको अगर एक सेंटेंस में कोई मैं उनको सीख यही मैसेज दूंगा कि या फिर दो चीजों को जरूर पढ़ें, क्या मैसेज दो दूंगा? ग्रंथों को जरूर पढ़ें, अपनी दिशा और दशा को सुधारने के लिए दो ग्रंथों को पढ़ें। पहला ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा ग्रंथ द लाइट ऑफ ट्रुथ, सत्यार्थ प्रकाश। इन दो ग्रंथों को जरूर पढ़ें, उसके बाद आपका खुद ही अपना मैसेज क्रिएट हो जाएगा। ब्यूटीफुल, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पहली बार मैंने सनातन धर्म के बारे में इतनी बातें समझी हैं और बहुत गहराई से समझ में आई हैं। थैंक यू सो मच कि मुझे लगता है कि कई बार कुछ लोग इस तरीके से धरती पर आते हैं जो अपनी ही चीजों को, जो हमारी ही चीजें हैं जो हम शायद बिसारे बैठे हैं, वो पुनर्जागरण का काम करते हैं। दयानंद सरस्वती जी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में गौतम खट्टर एक ऐसा व्यक्तित्व जरूर होने वाला है जो कि लोगों के दिमाग में, दिलों में वो दिया जरूर जलाएगा, जिससे कि हम धन्यवाद, सनातन को, अपने आप को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। जिस उम्र में आप ये सब चीजें कर रहे हैं ना, मुझे लगता है उस उम्र में बच्चे अभी भी मम्मा मम्मा करते हैं, तो उसके नमस्कार। लिए आपका बहुत धन्यवाद।